दुनिया के सबसे खतरनाक पुल। क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों को पार करने की हिम्मत कर सकते हैं? तो आज जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों के बारे में। पुल मानव जाति के इतिहास में सबसे अच्छे निर्माण आविष्कारों में से एक है। उन्होंने हमारे पूर्वजों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में सक्षम बनाया। बिना लंबा चक्कर लगाए व तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना कम समय में सुलभ बनाया, जबकि कई पुराने पुलों का नवीनीकरण किया गया है। आपको यह देखकर आश्चर्य हो सकता है कि इनमें से कुछ पुराने पुल अभी भी खड़े हैं और वास्तव में पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। दूसरी ओर कुछ अधिक आधुनिक पुल लुभावनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और यह आपके बेहोश होने के लिए नहीं है, यह आपकी क्षमता को परखने के लिए भी है। यदि आप अपने डर को दूर करना चाहते हैं या आप ऊंचाइयों से डरते हैं तो आपके लिए यह अच्छा मौका है कि आप अपने डर को अपने दिल से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। खतरनाक पुलों में सबसे पहले है लैंकोवी स्काई ब्रिज मलेशिया। लैंकोवी स्काई ब्रिज मलेशिया में एक 125 मीटर घुमावदार पैदल यात्री केबल स्टे ब्रिज है। केबल से बने पुल में एक या एक से अधिक टावर होते हैं जिनसे केबल ब्रिज डेक को सहारा देते हैं। 19वीं सदी के अंत में इस रूप का व्यापक उपयोग हुए। 20वीं शताब्दी में यह प्रमुख रूप से लौट आया जब नई सामग्री जैसे स्टील की रस्सी, पोस्ट टेंशन, कंक्रीट बॉक्स गर्डर्स, स्टील बड़ी निर्माण मशीनरी और पुराने पुलों को बदलने की आवश्यकता के कारण ने इन डिजाइनों के मूल्य को कम कर दिया, जिसे 2005 में पूरा किया गया था। पुल का डेक पुलाव पर गुनंग मैथ सिनकान के शिखर पर समुद्र तल से 660 मीटर ऊपर है। लैंकोवी केदाह में लैंकोवी द्वीप समूह का मुख्य द्वीप। लैंकोवी स्काई ब्रिज तक पहले लैंकोवी केबल कार को शीर्ष स्टेशन पर ले जाकर पहुंचा जा सकता है, जहां स्काई ग्लाइड नामक एक झुकी हुई लिफ्ट आगंतुकों को शीर्ष स्टेशन से पुल तक ले जाती है। पुल के रखरखाव और उन्नयन के लिए जुलाई 2012 में बंद कर दिया गया था। फिर से खोलना कई बार बंद कर दिया गया था, लेकिन फरवरी 2015 में इसे आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया। पुल अब पूरी तरह से सुलभ है। अब आगे है दुनिया का और भी खतरनाक पुल, जो खतरनाक चट्टानों में से होकर निकलता है, जिसे दुनिया अमर का पुल द ब्रिज ऑफ इमॉर्टल्स के नाम से जानती है। अमर का पुल पूर्वी चीन के दक्षिणी एनहुई प्रांत में हुआंगशान पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है। वटिगो प्रेरक ब्रिज पार करने के लिए डरावना है, क्योंकि बड़ी बड़ी ठोस चट्टानों के बीच सकरा रास्ता और नीचे देखने पर भी बड़ी खाया है, जो दर्शकों को डराने के लिए काफी है। इस पर्वत श्रृंखला का सबसे प्रसिद्ध मील का पत्थर अमरों का पुल है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। वहां तक के लिए आपके पास एडवेंचर स्पिरिट के साथ साथ काफी हिम्मत भी होनी चाहिए। पूर्वी चीन में हुआंगशान पर्वत 100 मिलियन वर्ष पहले बने थे। फेरी वॉकिंग ब्रिज समुद्र तल से 1320 मीटर की ऊंचाई पर दो चट्टानों को जोड़ता है। 1987 तक स्थानीय निवासियों को पुराने लटकते रास्ते के साथ रसातल पर चलना पड़ता था। उनमें से कई नीचे गिर गए, इसलिए इसका नाम अमर का पुल पड़ा। वर्तमान पुल निर्माण पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित है। येलो माउंटेन एक रोमांचक अनुभव के लिए एक साहसी का सपना है। यह हवा में ऊपर की ओर तंग और विकट मोड़ के साथ पंक्तिबद्ध है। नीचे एक लंबी घातक गिरावट वाले खतरनाक रास्ते है। वास्तव में पहाड़ के किनारे की एक पगडंडी लकड़ी के कुछ तख्तों से बनी है, जो बड़े लकड़ी के तख्तों से ज्यादा कुछ नहीं है, जो चट्टानों पर चिपकी सी लगती है। संतुलन के लिए पर्वतारोहियों के लिए पर्वत के मार्ग पर यह एक श्रृंखला कठिन भी है। किसी को आश्चर्य होगा कि कोई इतनी खतरनाक सैर क्यों करेगा, लेकिन आखिरकार यह एक ऐसा रोमांच है जो लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ आनंद लेने के लिए एक व्यक्तिगत रोमांच भी है। आज हम एक ऐसे ब्रिज के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे घास के द्वारा बनाया जाता है। आज की आधुनिक दुनिया में घास के ब्रिज की कल्पना करना थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आज से 500 साल पहले यह तकनीक मौजूद थी। केशवाईचाका ब्रिज पेरू, जहाँ ज्यादातर पुल लकड़ी या स्टील से बने होते हैं, वहीं केशवाईचाका ब्रिज बुनी हुई घास से बनाया जाता है। यदि आप चिंतित हैं तो यह आपके वजन का समर्थन नहीं करेगा, डरो मत, यह पुल 500 साल पुराना है। यह इनका ही थे जिन्होंने शुरू में पुल का निर्माण किया था, और इसके लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता थी। महिलाओं ने छोटी पतली रस्सियों को बांधा, जिसे पुरुष तब बड़े समर्थन केबल्स को बुनते थे। नतीजा यह आश्चर्यजनक पुल है जो इनकास की प्रतिभा और उनके दिलचस्प निर्माण विधियों को प्रदर्शित करता है। लिविंग रूट ब्रिज जीवित जड़ सेतु मेघालय। जब पृथ्वी पर प्रकृति का निर्माण शुरू हुआ, साथ ही मनुष्य ने भी अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार चीजें बनाना आरंभ किया, इस बीच उन्होंने प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा मित्र समझा। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को सुविधा में बदलने के लिए पेड़ पौधों का इस प्रकार इस्तेमाल किया, जैसे मेघालय के जीवित जड़ सेतु लिविंग रूट ब्रिज। ये पुल मेघालय के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है और ये लगभग 2 शताब्दियों से विकसित हो रहे हैं। खान कबीले ने उन्हें रबर के पेड़ की जड़ों से बनाया और जड़ों को तब तक पोषित किया जब तक वे नदी के किनारे के विपरीत छोर तक नहीं फैले। समय के साथ जड़ें एक दूसरे के साथ जुड़ गईं।
जिसने उन्हें बहुत अधिक वजन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत बना दिया। वे एक समय में 50 से अधिक लोगों का वजन पकड़ सकते हैं। ये पुल वास्तव में जीवित हैं। उन्हें सही आकार तक पहुंचने में 10 से 15 साल लग सकते हैं और वे 100 फीट से अधिक लंबे हैं। जब जड़ें पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, तो वे 500 साल तक चल सकती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नई नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।